खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मेनपुरी कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद घात लगाए बैठे हमलावरों ने दो चचेरे भाइयों को गोली मारकर घायल कर दिया। आनन फानन में परिजनों द्वारा घायलों को मेनपुरी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते दोनों को सिफई PGI के लिए रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने पीड़ित पक्ष से मामले की जानकारी उठाई। पूरा मामला मेनपुरी सदर कोतवाली क्षेत्र के संसारपुर से जुड़ा है। यहां एक निवासी कुलदीप पुत्र बादशाह पाल व पुष्पेंद्र पुत्र राजवीर पाल की बकरियां कुछ दिन पूर्व गांव के ही साके समाज के लोगों के खेत में चली गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। विपक्षी गणों ने गाली गलौज भी की थी, जिसके बाद गांव के लोगों द्वारा दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया था। आज देर शाम तक कुलदीप अपना सेल्समैनी का कार्य करके घर वापस लौट रहा है और अपने घर के पास ही पहुंचा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही गुरबचन साग के मनदीप, संदीप एवं अन्य लोगों द्वारा कुलदीप को गोली मार दी गई। गोली की आवाज़ जैसे ही पुष्पेंद्र ने सुनी तो वह भी मौके पर आ गया, जिसके बाद आरोपियों द्वारा पुष्पेंद्र को भी गोली मार दी गई। गोली की आवाज़ सुनकर अन्य परिजन भी मौके पर पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गया। आनन फानन में परिजनों द्वारा दोनों घायलों को मेनपुरी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर हालत के चलते सिफई PGI के लिए रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित पक्ष के मामले की जानकारी जुटाई है। आपका नाम क्या है? आपका नाम मेरा नागेंद्र। क्या घटना हुई, गोली किसको लगी है? भैंस गाय हम लोग चुमाते हैं, उसके प्रति ये कुछ देर दो तीन दिन पहले गांव इनके खेतों में भैंस लग गई, इन लोगों से मैंने माफ़ी भी मांगी है, सब बात शांत हो गई। आज फिर पता नहीं ये लोग लेके आ रहे थे और ये चाचा रिंकू वो कुलदीप पाल इनको ये सेलमैनी करके आ रहे, इन लोगों को डायरेक्ट गोली वोली चली और ये वो क्या बोलते हैं उसका ये साग के और उसका लड़का गुरबचन साग के और ये सो ये। अच्छा गोली मतलब किस समय गोली मारी? गोली अभी एक ताज़े 10-15 मिनट 20 मिनट हो गई थी। किस जगह पे गोली मारी? ये अपने अपने जो अपने उधर भी आ गए थे, उधर से ये आ रहे सेलमैनी करके अपने दरवाजे पकड़े मार रहा है। मेरा नाम हरवीर है जी। अच्छा क्या पूरी घटना हुई थी, ये गोली कैसे क्या मारी गई? घटना कैसा, हम लोग दरवाजे पे बैठे हुए थे, एक दिन ऐसी थोड़ी सी उचावर हो गई थी, उसके कारण उन्होंने गुस्सा से गोली मार दिया थी। कितनी वजह थी और कोई ज़्यादा बात ही नहीं थी, हमने एप्लीकेशन लगा दी, चौकी भी लगाई थी और कोतवाली में पर लगाई थी मैंने एप्लीकेशन, 5 तारीख की बात है। अच्छा किसने गोली मारी है? वो बंटी ने मारी है और वो था एक मनदीप और एक उसका छोटा भाई संदीप और एक था गुरबचन और रामशरण। क्या पूरा मामला था, क्यों गोली मारी थी, ये तो कुछ तो वजह होगी? वजह ऐसी थी सर कि बकरी चराने वाले थे जो, अच्छा तो खेत में बकरी के चरा रहे तो किसी की घुस गई होगी खेत में, तो इसी कारण लोग कैसे आ गए और घर पे आके थोड़ा गाली वाली दी हम लोगों को, हमको गाली दिया इसलिए। और एक मनीष साग के है, गिट्टी बालू की दुकान की है, वो बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी है भाई, इसलिए वो लोग आदि हो गए। कितने लोगों के गोली मारी गई है? दो लोगों की, दोनों लोग सैफई रेफर कर दिए। हाँ, गाँव का नाम है उनका, एक का नाम है भूरे, एक का नाम रिंकू, और वैसे एक गाँव वो नाम दूसरा भी है, एक अभी जो रिपोर्ट लिखवाई जाएगी यहाँ अस्पताल में कुलदीप है और पुष्पेंद्र नाम है। अभी सायंकाल में यह सूचना हम लोगों को जरिए 112 प्राप्त हुई कि ग्राम संसारपुर जो थाना कोतवाली के अंतर्गत है वहां पर आगी की घटना घटी है। मौके पर थाना प्रभारी और मैं स्वयं दोनों लोग पहुंचे हुए थे। कुलदीप वहां जाने के पश्चात ये पता चला कि दो अलग अलग समुदाय बिरादरी के लोग रहते हैं, जिसमें एक शाक्य बिरादरी है, दूसरी पाल लोगों के द्वारा जो बकरियों का पालन किया जाता है उसमें संभवतः एक दो दिन पहले इनकी कुछ बकरियां शाक्य लोगों के खेत में चली गई थी, जिसको लेकर के पहले थोड़ा बहुत कुछ विवाद हुआ था, जिसमें गाँव के स्तर पर ही समझौता कर लिया गया था। उसी विवाद को लेकर के आज संभवतः जब पाल के कुछ बच्चे
उधर से निकल रहे थे, तभी शक के लोगों के द्वारा उन पर कुछ फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है। इसी आधार पर इनसे तहरीर प्राप्त होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कौन घायल हुआ है? इस फायरिंग में दो व्यक्तियों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल ले आया गया और उन्हें अभी सैफई रेफर कर दिया गया है हायर सेंटर के लिए। तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही तहरीर प्राप्त